हेलो फ्रेंड्स, आज मैगी की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मसालेदार है। ये मैगी बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पर एक पैन में तेल को गरम कर लिए हैं। इसमें 3 हरी मिर्ची, 1 बड़े साइज के प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे। अब प्याज और हरी मिर्ची को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे लाइट हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। हमने प्याज को भून लिए हैं। अब इसमें कुछ सब्जियों को ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज के आलू को बारीक कट कट के डाल देंगे। 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ बीन, 1/2 कप हरे मटर। अब इन सभी को हल्का भून लेंगे। हमें इन सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है अभी। अब इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। आप इसके जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। और इसमें बड़े साइज के बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे चला लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट बाद इसे चला लेंगे। मेरे सब्जी कुछ पक गए हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। पहले 1 चम्मच नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमें स्वाद के अनुसार डालना है, क्योंकि इसमें मैगी मसाले में भी नमक है। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी को चला लेंगे। अब इसे 1 मिनट चलाकर इसमें 1 पैकेट मैजिक मसाला डालेंगे। मैजिक मसाले से हमारे मैगी में टेस्ट बढ़ जाते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। इसे चलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे। हमें इसमें 2 कप पानी और इसे चला लेंगे। चलाने के बाद इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए और 1 उबाल आने तक का वेट करेंगे। हमारे पानी में उबाल आ गए हैं। अब इसे चला लेंगे और इसमें मैगी को डाल देंगे। हमें मैगी को ज़्यादा नहीं तोड़ना है, 2-3 पीसेस में करना है और इसे डाल देना है। हमने 2 पैकेट मैगी लिए हैं, 2 पैकेट मसाला डालेंगे। हमें इसी स्टेज पे मैगी मसाले को डालना है ताकि मैगी में खुशबू बरकरार रहे। और इसे चला लेना है। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे क्योंकि मेरे बच्चे को ग्रेवी और जूसी जूसी मैगी काफ़ी पसंद है। और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे ग्रेवी वाला मैगी नहीं पसंद है, वो पानी और नहीं ऐड करेगा, नहीं तो मैगी जूसी हो जाएगी, खिली खिली नहीं होगी। और इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद चला लेना है इसे। देखिए मेरी मैगी में कलर कितना खिला खिला आया है। और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए और ढक देंगे।
हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक मिनट के लिए और ढक देंगे। एक मिनट बाद देखिए पानी सूख गया है। अब मैगी जूसी जूसी हो गई है, है ना मैगी पूरी जूसी जूसी, और मैगी भी पक गई है। हमने गैस को बंद कर दिए हैं। अब मेरी मैगी बनकर रेडी हो गई है। अब इसे एक बोल में स्टोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।